जीवन शक्ति योजना है और मास्क निर्मित करने हेतु। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना लॉन्च करी थी जीवन शक्ति योजना के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे सारी जानकारी पूरी अच्छे से, बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। उसी शहर से मास्क के ऑर्डर मिल जाएंगे, मास्क के ऑर्डर मिलेंगे, आप मास्क बनाएंगी, ऑर्डर आपको 1000 मास्क बनाना है, 2000 मास्क बनाना है, उसके ऑर्डर मिल जाएंगे। आप सूती कपड़े का होगा, ये सूती कपड़ा लेके आप अपनी मशीन पे मास्क बनाएंगे और मास्क बनने के बाद एक स्टोर ऑफिसर होगा जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी आपके ही शहर में, उसके पास आप मास्क जमा करवा देंगे। जैसे ही आपने मास्क जमा करवाए, मान लीजिए आपने 1000 मास्क जमा करवाए, तो सीधे 11000 रुपया आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। उसी दिन हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन आपके खाते में डल जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दूसरा दिन होगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपके खाते में सीधे पैसा आ जाएंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि लोगों को मास्क मिल जाएंगे, वो मास्क लगाएंगे तो वो बीमारी से बचेंगे और मेरी बहनों को घर रोजगार मिल जाएगा। अभी इस समय लॉकडाउन में ज्यादा निकल नहीं पाए, तो घर के सब कामकाज करते हुए मेरी बहनें मास्क बनाएंगी और पैसे कमाएंगी, आमदनी बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी बचेगी। इसलिए इस योजना का नाम रखा है हमने जीवन शक्ति योजना। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसमें हम पंजीयन कैसे करेंगे। तो आप पंजीयन दो तरीके से कर सकते हैं या तीन तरीके से कर सकते हैं, इस पोर्टल में सारी जानकारी दी हुई है। बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन शक्ति योजना में पंजीयन की प्रक्रिया। सर्वप्रथम यह योजना केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, ठीक है। योजना में तीन विधियाँ द्वारा आप पंजीयन कर सकते हैं। तो पहला है हेल्पलाइन नंबर की सहायता से, या फिर ऑनलाइन मोबाइल नंबर के माध्यम से, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आधार नंबर के माध्यम से। यदि आप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन दूरभाषा 07552700800 पर 9 बजे तक संपर्क करना होगा। हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है तो पोर्टल में आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। वैसे ही आप फॉर्म के माध्यम से भी यहां से कर सकते हैं। ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, आपको अपना यहां मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सत्यापित करना है। योजना संबंधी सभी जानकारी आपको मोबाइल नंबर यहां पे पूरा फॉर्म भर के सबमिट करना है। यहां पे आपको मांगा गया है जिसमें पैसे आएंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे, वो खाते का नंबर यहां पे संख्या डालनी पड़ेगी, IFSC कोड नंबर डालना पड़ेगा और साथ में बैंक का नाम भी यहां पे डालना पड़ेगा आपको। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी कितने रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपको यहाँ पोर्टल में हम दिखा दें कुल पंजीकरण जीबी हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 52,71,5271, और कुल मास्क अभी निर्मित नहीं हुए हैं, ओनली अभी कुल पंजीकरण हुए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ डैशबोर्ड दिया हुआ है, डैशबोर्ड से आप देख सकते हैं कि किस ज़िले में कितना अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है मास्क के लिए। तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल रहा है, टोटल रजिस्ट्रेशन एक्टिव और ब्लैकलिस्ट इनएक्टिव और टोटल ऑर्डर, टोटल मास्क लेबर और सप्लायर कैपेसिटी दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी अब अच्छे से देख सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं भोपाल में 575, इंदौर में 360, जबलपुर में 272, ये रजिस्ट्रेशन है, काउंट बाय डिस्ट्रिक्ट के थ्रू किया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है आपको। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ सोर्ट बाय भी लगा हुआ है, आप सारी चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। और जीवन शक्ति योजना की बात करें तो बहुत ही उपयोगी योजना है। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने बात करी कि 1000 मास्क बनाने में आपको 11000 मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप घर में कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे, तो बहुत ही अच्छा उपाय यही है कि आप थोड़ा काम भी कर लें और साथ में ही कुछ पैसे कमा लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के